मैं बिहार का बासिंदा हूँ, मुझे हार्ट ब्लॉकेज का जो है प्रॉब्लम हुआ तो मैंने एक्सपोर्ट में गया, वहाँ डॉक्टर लोगों से दिखलाए, एंजियोग्राफी भी करवाए, जिसमें किसी में 99% ब्लॉकेज था, किसी आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था। और वहाँ के डॉक्टर, जब मैंने आने लगा तो डॉक्टर कहा कि जहाँ भी कराना हो जल्दी ट्रीटमेंट करा लो, नहीं तो लाइफ खतरे में। मैंने उसके पहले सरिता में डॉक्टर सीबिया के संबंध में जानकारी मुझे मिली एक पत्रिका से। मुझे इच्छा थी कि ऑपरेशन के विकल्प यदि कोई दूसरी चीज हो तो मैं वही कराऊं। फिर मैंने दिल्ली आया, दिल्ली में इंटरनेट से मैंने उनका पता लगाया, पता मुझे लगा। उसके बाद मैंने लुधियाना आया, डॉक्टर सीविया साहब से मिले। पहले तो मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ था, और जो पेशेंट लोग थे उससे बातें हुई तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हमको ठीक हो रहा है, हमको बहुत फायदा हुआ। इस आधार पर मैंने भी यही ट्रीटमेंट करा। और ट्रीटमेंट कराने के बाद तीन दिन के बाद एक इरास्मिक चेंज आया कि उस रोज मैंने जो कि 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता था, दर्द से बेचैन हो जाता था, उस रोज मैंने 3 ECP कराने के बाद मैंने 5 किलोमीटर चला। बाद में थोड़ा सा जो है सो छाती भारी बुझाया तो डॉक्टर साहब से राय लिए, कहा कि नहीं इतना तेजी से नहीं चलिए। तो उसके बाद जो है दिन पर दिन में मेरा विकास होता गया बीमारी। अब जो है मैं 35 ECP ले चुका हूँ, अब पूरा मैं अपने को स्वस्थ समझ रहा हूँ। यह जो है निश्चित रूप से ये मैं मान गया हूँ कि ये निश्चित रूप से जो है बाईपास सर्जरी का विकल्प है, बल्कि विकल्प ही नहीं, वह जो है एक इतना इरास्मिक चेंज आता है आदमी में, ना कोई कष्ट ना चीरफाड़, बिना कष्ट का जो है सुधार होता है। और यह जो है से एक बहुत बड़ा चमत्कारिक परिणाम दिखलाता है। यहाँ के जो भी स्टाफगण है वो लोग जो है सो बहुत लोकप्रिय लोग हैं, हमेशा सेवा करने की भावना से तत्पर रहते हैं, और मैं पूर्ण रूपेण उन लोगों से संतुष्ट हूं। और डॉक्टर साहब भी जो हैं, डॉक्टर सीबिया भी बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, और जो भी किसी का कोई समस्या हो तुरंत हल करते हैं, बल्कि इतना ड्यूटीफुल हैं, कार्य में इतना मुस्त रहते हैं कि वो जो है 10-12 घंटा के लगभग ड्यूटी करते हैं। यहाँ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की बाधा नहीं है। और ये बात नहीं है कि पंजाब जो है सो अभी पूरा शांति है, यहाँ किसी तरह की खतरे नहीं महसूस हुई है, और बहुत आराम से हम लोग 10 बजे 11 बजे रात में भी घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।